Hello students, good morning. Today explain about this chapter 6 molecular basis of inheritance. That topic explain about transcription. Understand? Transcription, replication, duplication, transcription, translation. Transfer of genetic material, DNA to RNA, RNA to protein. Understand? According to this law of the central dogma. Understand? जिसमें हम लोग previous class में पढ़ते चले आए हैं central dogma के बारे में, ये आपका DNA, ये change to RNA and RNA change to protein. अंडरस्टैंड, जिसमें ये कंडीशन रेप्लिकेशन ये आपका रेप्लिकेशन DNA change to RNA transcription RNA change to protein that is known as translation. This is the central dogma. और इसी पॉइंट को हम लोग वीडियो के थ्रू जो है डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं. अंडरस्टैंड, इसमें इस पॉइंट को प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया रिप्लिकेशन और डुप्लीकेशन, जिसमें ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो है, अंडरस्टैंड, ये दोनों स्ट्रैंड जो है टेम्पलेट का काम करेंगे. अंडरस्टैंड, और टेम्पलेट की पोलरिटी जो होगी ये आपका 5' to 3' होगी, 5' to 3'. अब ये पोलरिटी की कंडीशन जो 5' to 3' है, ये आपका न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड. तो टेम्पलेट कौन काम करेगा? टेम्पलेट का काम करेगा 3' to 5'. अंडरस्टैंड, ये आपका जो है टेम्पलेट, और ये न्यूली स्ट्रैंड. अंडरस्टैंड, एक नई स्ट्रैंड जो है बनने जा रही है. अंडरस्टैंड, तो अब इस कंडीशन में ये आपका न्यूली स्ट्रैंड, तो ये कंडीशन क्या हो गई आपकी, टेम्पलेट स्ट्रैंड ये हो गया 3' to 5'. तो उसके जो है एंटी पैरेलल स्ट्रैंड बनेगी आपका, जो न्यूली स्ट्रैंड होगी वो कौन सी होगी, 5' to 3' होगी. तो ये आपका न्यूली स्ट्रैंड. न्यूली स्टैंड, ये दोनों पॉइंट को आपको लर्न रखना है कि नई स्टैंड जब भी बनेगी तो उसकी पोलरिटी जो होगी 5' to 3' होगी. अंडरस्टैंड, तो टेम्पलेट रीजन कौन काम करेगा, टेम्पलेट की पोलरिटी क्या होनी चाहिए, 3' to 5'. अंडरस्टैंड, दिस इज द मेमोराइज पॉइंट. अंडरस्टैंड, ये आपका जो है एकदम इसको लर्न कर जाइए, इस तरह की कंडीशन कि जहाँ पे टेम्पलेट की पोलरिटी 3' to 5' होगी तो न्यूली स्टैंड जो सिंथेसाइज होगा
उसकी पोलरिटी क्या होगी, उसका डायरेक्शन क्या होगा, 5' to 3' कॉन्टिन्यूअस, चाहे वो रेप्लिकेशन होता हो या डुप्लीकेशन होता हो या ट्रांसक्रिप्शन हो रहा हो, डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा हो या डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा हो, जो न्यूली स्टैंड की पोलरिटी होगी वो 5' to 3' ही होगी। अंडरस्टैंड, ये डिट्टो है। तो टेम्पलेट कौन काम करेगा, उसकी पोलरिटी क्या होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, 3' to 5'। अंडरस्टैंड, दिस इज द मेमोराइज पॉइंट। अंडरस्टैंड, अब हम ये कंडीशन चलते हैं कि डीएनए से डीएनए का तो फॉर्मेशन हो गया, अंडरस्टैंड, जिसमें कि आपने क्या देखा कि ये आपका जो है ये डीएनए का जो है स्ट्रैंड है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, अंडरस्टैंड, और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है, अब ये कंडीशन क्या हो गई, ये बना जो है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड आइसोलेट होंगे और दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, सेपरेट होकर के एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बनाएंगी, जिसको हम नाम दिया क्या, रिप्लिकेशन फॉर्क। अंडरस्टैंड, अब ये रिप्लिकेशन फॉर्क जिसमें कि एक स्ट्रैंड जो है दोनों स्ट्रैंड से क्या हो गई, एक से जो है ये अलग हो गई, अंडरस्टैंड, तो इसकी पोलरिटी यदि मान लीजिए कि हम क्या मान लें इसको, क्योंकि जो टेम्पलेट रीजन है आपका वो 3' to 5' होगा, अंडरस्टैंड, तो जो न्यूली सिंथेसाइज जो होगा, अंडरस्टैंड, उसकी कंडीशन क्या होगी, ये आपका जो है 5' to 3' होगा, ये 5' to 3'। अंडरस्टैंड, तो इस तरह की कंडीशन, अब यहां पर भी क्या कंडीशन होगी कि अब यहां कंडीशन क्या हो गई कि ये 3' to 5' है, तो ये आपका 3' to 5'। अंडरस्टैंड, मतलब एक पेरेंट डीएनए से टू डॉटर डीएनए का फॉर्मेशन हुआ और पूरे इस फॉर्मेशन में जो आपका एंजाइम जो पार्टिसिपेट हुए वो कौन कौन से एंजाइम पार्टिसिपेट थे। सबसे पहला एंजाइम आपका जो मेन एंजाइम था वो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, जो पॉलीमराइजेशन कराएगा, अंडरस्टैंड, और दूसरी कंडीशन है कि पॉलीमराइजेशन के साथ जो है ये हाई एक्यूरेसी होता है, अंडरस्टैंड, हाई डिग्री एक्यूरेसी होता है, अंडरस्टैंड, दूसरी कंडीशन ये होती है कि ये अपने आप सेल्फ जो होता है पॉलीमराइजेशन नहीं करेगा, तो वहाँ पर किसकी ज़रूरत पड़ेगी, आरएनए प्राइमर की जरूरत पड़ेगी, अंडरस्टैंड, आरएनए प्राइमर मतलब कोई न कोई एक ओएच ग्रुप होना चाहिए, अंडरस्टैंड, चाहे वो आपका जिस कंडीशन में आपका जो है आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड जिसका नाम दिया आरएनए प्राइमर उसका स्टैंड हो जाए थोड़ा सा। अब ये छोटा सा पॉइंट जो है जाकर के जब ये अटैच करेगा ओरिजिन पे जहां से रिप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है, तब ये आपका डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, मतलब डीएनए को पॉलीमराइज करने वाला वो किस पे डिपेंड है, डीएनए पर डिपेंड है, क्योंकि डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होने जा रहा है, अंडरस्टैंड। तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम है वो कौन सा है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, अंडरस्टैंड। दूसरी कंडीशन क्या है कि ये आपका जो है पहला एंजाइम हो गया डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, अंडरस्टैंड, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो दूसरा कंडीशन जो दूसरा एंजाइम क्या हो गया उसका नाम रखा गया हेलिकेज, अंडरस्टैंड, ये क्या रखा गया, हेलिकेज, अंडरस्टैंड। उसके बाद जो है थर्ड एंजाइम क्या रखा गया, आरएनए प्राइमर, इसका नाम रखा गया आरएनए प्राइमर, अंडरस्टैंड। उसके बाद जो है नेक्स्ट कंडीशन क्या रखा गया, नेक्स्ट कंडीशन में जो है आपका ये रखा गया डीएनए लाइगेज, अंडरस्टैंड, डीएनए लाइगेज। और डीएनए लाइगेज के बाद एक और एंजाइम आपका जो निक करने का काम करेगा उसका नाम रखा गया क्या, टोपो आइसोमरेज, अंडरस्टैंड, टोपो आइसोमरेज, अंडरस्टैंड।
इस आपके टोपोआइसोमेरेज थर्ड या इस तरह के प्रोकैरियोटिक सेल में इसको हम गायरेज का भी नाम देते हैं, अंडरस्टैंड, पॉलीमरेज फर्स्ट, पॉलीमरेज सेकंड, पॉलीमरेज थर्ड। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो कौन है, पॉलीमरेज थर्ड, अंडरस्टैंड, थर्ड पॉलीमर, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन होती है कि इतने एंजाइम हमारे पार्टिसिपेट हुए जिसमें कि एक टेम्पलेट जो 3' to 5' का जो है इसकी पोलरिटी है, तो इस पर जो स्टैंड बनेगी, न्यूली स्टैंड जो 5' to 3' बनेगा तो कैसी होगी, कॉन्टिन्यूस स्टैंड होगी, केवल क्योंकि इसमें केवल एक ही प्राइमर की जरूरत पड़ेगी, अंडरस्टैंड। जबकि जो दूसरा स्टैंड है, अंडरस्टैंड, तो दूसरा स्टैंड पर हमने देखा कि मोर देन 1 प्राइमर की जरूरत पड़ी, अंडरस्टैंड। तो जब एक से अधिक प्राइमर की जरूरत पड़ेगी तो वहां पर जो न्यूली स्टैंड बनेगा वो छोटे छोटे सेगमेंटों में बनेगा। तो जब वो छोटे छोटे सेगमेंटों में बनेगा तभी तो उसको कहा गया डिसकॉन्टिन्यूअस स्टैंड या लॉजिंग स्टैंड। एक लीडिंग बना जो कॉन्टिन्यूअस और एक लॉजिंग स्टैंड बनी जो डिसकॉन्टिन्यूअस था। तो उस लॉजिंग स्टैंड जो डिसकॉन्टिन्यूअस स्टैंड था उसको कॉन्टिन्यूअस कौन बनाया उसको कॉन्टिन्यूअस कौन बनाया, डीएनए लाइगेज। लाइगेज का काम क्या होता है, जोड़ना, अंडरस्टैंड। तो उसी तरह आपका जो निक का काम करता है टोपो आइसोमरेज थर्ड, तो ये टोपो आइसोमरेज थर्ड जो है कट करने का भी काम करेगा और जोड़ने का भी काम करेगा। तभी तो कहा गया कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो बहुत ही स्पेसिफिक होता है एंड हाई डिग्री जो है उस तरह की कंडीशन होती है इसमें, अंडरस्टैंड। तो उस पॉइंट पे हम ये देखते हैं कि जो आपका रिप्लिकेशन हो रहा है वो डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, दोनों स्टैंड काम करेगा। तो जब दोनों स्टैंड टेम्पलेट का काम करेगा तो फिर ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए आपका बन जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे बात आके पूछती है आपके ट्रांसक्रिप्शन पे कि ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए में तो आपने देखा कि भाई एक स्टैंड जो है ये आपकी फर्स्ट स्टैंड और इसके एंटी पैरेलल एक सेकेंड स्टैंड होती है। ये दोनों स्टैंड जो है टेम्पलेट का काम किया जिससे कि इससे डबल स्टैंडर्ड जो है क्या बन गया आपका, डीएनए बन गया, और वो भी कैसा बना, डबल बना, अंडरस्टैंड। एक पेरेंट जो है डीएनए से डबल डॉटर डीएनए का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन जो ट्रांसक्रिप्शन में आप देखेंगे तो ट्रांसक्रिप्शन में इसमें दोनों स्टैंड में से कोई एक ही स्टैंड जो है वो पार्टिसिपेट करेगी आरएनए को सिंथेसाइज करने में, अंडरस्टैंड। ओनली वन स्टैंड इज आल्सो सिंथेसाइज्ड ऑफ आरएनए, अंडरस्टैंड। केवल एक ही स्टैंड ऐसी होगी जो केवल टेम्पलेट का काम करेगी और एक स्टैंड जो है कोडिंग का काम करेगी। एक टेम्पलेट का काम किया और एक कोडिंग का काम किया, अंडरस्टैंड। जब ये टेम्पलेट का काम किया तो उस कंडीशन में टेम्पलेट के बेस पर हम इसकी न्यूली सिंथेसाइज स्टैंड बना सकते हैं, अंडरस्टैंड। और वहां हमें क्या करना है, डीएनए से आरएनए को बनाना है, अंडरस्टैंड। तो कंडीशन क्या होती है कि जो डीएनए में आपका नाइट्रोजनस बेस होते हैं एडेनिन गुआनिन थायमिन एंड साइटोसिन, अंडरस्टैंड। तो अब यहां से ये आपका क्या है, एक टेम्पलेट स्टैंड है, अंडरस्टैंड। तो यहां पर आपका ए के जगह क्या हो जाएगा, टी सी ए जी, ये आपका जो है एक कोडिंग स्टैंड बन गई, इसको नाम दिया हमने कोडिंग स्टैंड। ये टेम्पलेट स्टैंड और ये कोडिंग स्टैंड, अंडरस्टैंड। और इस पे हमें टेम्पलेट स्टैंड पे क्या करना है, हमें जो है एक न्यूली आरएनए को सिंथेसाइज करना है। तो अंतर क्या होता है डीएनए एंड आरएनए में, बस एक ही तो अंतर होता है, सारे प्रोसेस तो वही होते हैं, अंडरस्टैंड। इसमें ये होता है कि थायमिन के जगह पे एडिनिन के जगह पर जो यहाँ थायमिन आएगा, तो थायमिन तो ऑलरेडी डीएनए में आएगा आपका, एडिनिन के जगह जो थायमिन आएगा तो थायमिन को रिप्लेस कर देगा कौन, यूरेसिल, अंडरस्टैंड। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये यूरेसिल हो गया, जी की जगह क्या कंडीशन हो जाएगी, सी की हो जाएगी, और टी की जगह क्या हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा,
और सी की जगह क्या हो जाएगा आपका, जी हो गया। तो ये आपका बन गया क्या, स्टैंड आरएनए। अंतर क्या हुआ, केवल थायमिन का जो है प्लेस यूरेसिल ले लिया, बस इतनी ही कंडीशन होती है, अंडरस्टैंड। अब कोटिंग स्टैंड में कंडीशन क्या होगी कि एडेनिन की जगह थायमिन है, तो थायमिन की जगह क्या हो जाएगी भाई, हमें यूरेसिल हो जाएगी, अंडरस्टैंड। तो अब ये आपकी पोलरिटी यदि 3'2'5' है तो न्यूली स्टैंड कैसे बनेगा भाई, 5'2'3' होगा, एक इसके एंटी पैरेलल होगा, अंडरस्टैंड। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका एक उठता है कि भाई डीएनए से डीएनए का जब फॉर्मेशन हुआ तो वहां पर डीएनए के दोनों स्टैंड पार्टिसिपेट किए, दोनों स्टैंड टेम्पलेट का काम किया, और जब डीएनए से हम आरएनए का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन करा रहे हैं, तो केवल डीएनए की एक ही स्टैंड पार्टिसिपेट करती है, ये क्यों नहीं दोनों स्टैंड पार्टिसिपेट कर रही है, ये आपका पहला क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंडरस्टैंड। कि ये आपका क्वेश्चन ये पूछ रहा है व्हाई बोथ द स्टैंड आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन हैज द सिंपल, कि दोनों स्टैंड जो है आरएनए के बनाने में पार्टिसिपेट नहीं हो सकते, क्या इनकी कॉपी नहीं बन सकती, तो ऐसा नहीं हो सकता है, इसका एक सिंपल प्रोसेस है, और इसका सिंपल जो है आंसर है, और इसके दो आंसर है, अंडरस्टैंड। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट आंसर की कंडीशन, अंडरस्टैंड। फर्स्ट आंसर की कंडीशन कि ये आपका जो है क्या है, ये डीएनए है, अंडरस्टैंड। ये कंडीशन क्या है, डीएनए की है, अंडरस्टैंड। और ये आपका जो है एक स्टैंड है और एक स्टैंड ये है, अंडरस्टैंड। इसको यदि हम मानते हैं 3'2'5', तो इसको हम माने 5'2'3', अंडरस्टैंड। इसमें यदि कोडान हमारा क्या हो गया आपका ATGCA, अंडरस्टैंड, ATGCA, अंडरस्टैंड। तो अब यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर जो है आपका A की जगह क्या होगा, T होगा, ये A होगा, C होगा, G होगा एंड T होगा, ये दोनों स्टैंड एक दूसरे से एंटी पैरेलल है। अब ये कह रहा है कि यदि दोनों स्टैंड टेम्पलेट का काम कर दें ट्रांसक्रिप्शन में, अंडरस्टैंड, तो क्या ये पॉसिबल है, पहले जानिए कि ये पॉसिबल नहीं। यदि पॉसिबल भी होता तो जो डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता, अंडरस्टैंड। कहीं कहीं तो प्रोटीन बनती ही नहीं, यदि बनती तो उसका प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता, कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता, अंडरस्टैंड। लेकिन अब कंडीशन ये होती है कि यहाँ पर यदि दोनों स्टैंड पर, यदि मान लीजिए कि ये भी आपका स्टैंड जो है एक डीएनए से आरएनए बना लिया, ये भी स्टैंड बना लिया, अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले कंडीशन तो ये होगी कि जब ये दोनों स्टैंड टेम्पलेट का काम करके जब डीएनए से आरएनए को बनाएंगे तो ये दोनों स्टैंड जो होंगे इन पर प्रोटीन जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की बनेगी, और प्रोटीन को बनाने वाले जो अमीनो एसिड होंगे उनका भी नेचर कैसा होगा, डिफरेंट होगा, अंडरस्टैंड। और जब ये इनके प्रोटीन को बनाने वाले इसका नेचर जो है डिफरेंट होगा तो कंडीशन क्या होती भाई कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन की जो मशीनरी है वो आपका कॉम्प्लेक्स हो जाती है, अंडरस्टैंड। जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो डीएनए से आरएनए में जा रहा है, अंडरस्टैंड, और वहां पर डीएनए से आरएनए बन रहा है तो आरएनए आपका डबल स्टैंडर्ड जब बन जाएगा तो हाईली स्टेबल हो जाएगा, अंडरस्टैंड, मोर स्टेबल हो जाएगा। अच्छा, मोर स्टेबल की बात छोड़ दीजिए, पहले आप आ जाइए, उसके पहले एक सिंपल प्रोसेस पे आ जाइए कि जहां पर दोनों स्टैंड पर जो है ये टेम्पलेट का काम कर देंगे तो ये आपका जो है आरएनए जो बनेगा वो डबल स्टैंडर्ड का बनेगा। जब डबल स्टैंडर्ड का बनेगा तो यहाँ पर ये भी क्या करेगा, ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा और ये भी जो है प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, अंडरस्टैंड। अब प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा तो इस पर क्या होगा, ये अमीनो एसिड होगी, यहाँ पर भी क्या होगा, ये अमीनो एसिड होगी, अंडरस्टैंड। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन होंगे तो डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड भी हो जाएंगे, पहला पॉइंट।
यदि दोनों स्टैंड टेम्पलेट का काम कर गए तो यहाँ पर जो आरएनए बनेगा आपका वो डबल स्टैंडर्ड बनेगा ना। अच्छा, डबल स्टैंडर्ड बनेगा तो यहाँ पर ये टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन बनेगी और दोनों टाइप्स के प्रोटीन का जो सीक्वेंस होगा वो बैरी करेगा, वो डिफर होगा। अच्छा, डिफर होगा तो डिफरेंट टाइप्स की अमीनो एसिड भी बन जाएगी। जब अमीनो एसिड बनेगी तो जो आपका डीएनए से जेनेटिक इंफॉर्मेशन ये आपका आरएनए में ट्रांसफर हो रहा है वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अंडरस्टैंड, कॉम्प्लेक्साइटी होने लगेगी। उस तरह से जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे ट्रांसफर नहीं, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने वाले जो मशीनरी एंजाइम्स हैं वो क्या होंगे, यहाँ पर डिसबैलेंस होंगे। अंडरस्टैंड, सही से जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, पहला पॉइंट। अंडरस्टैंड, दूसरी कंडीशन ये होती है कि यदि मान लीजिए कि दोनों स्टैंड ये काम कर गए। अंडरस्टैंड, जब दोनों स्टैंड काम कर गए तो दोनों स्टैंड एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो यहाँ पर एक जो है नाइट्रोजनस बेस दूसरे नाइट्रोजनस बेस के बीच क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन होगा। अंडरस्टैंड, और अट्रैक्शन हो करके ये बॉन्ड बनाएंगे और बॉन्ड बनाने के बाद ये क्या करेंगे, डबल स्टैंडर्ड बन जाएंगे। अंडरस्टैंड, डबल स्टैंडर्ड बनेंगे तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया तो अब उसको ब्रेक डाउन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रिएक्टिविटी क्या होगी वहां पर, रिएक्टिविटी वहां पर जो है लेस हो जाएगी। अंडरस्टैंड, जब रिएक्टिविटी लेस होगी तो वहां पर क्या कंडीशन होगी, हाई स्टेबल हो जाएगा। अंडरस्टैंड, जब ये हाई स्टेबल होगा तो जो आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होना है, जो आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाए, जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस आप कहते हैं कि आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, ठीक है, आरएनए चेंज टू प्रोटीन। अंडरस्टैंड, इस प्रोसेस का हमने नाम क्या दिया, ट्रांसलेशन। अंडरस्टैंड, इस प्रोसेस का नाम लिया हमने ट्रांसलेशन। तो जो आरएनए से प्रोटीन बनने जा रही है वो प्रोटीन नहीं बन पाएगी, वो प्रोटीन कंडीशन क्या होगी कि वो फ्यूटाइल हो जाएगी। प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसा हो जाएगा, ये फ्यूटाइल हो जाएगा, मतलब ये निरर्थक हो जाएगा। अंडरस्टैंड, ये प्रोटीन का फॉर्मेशन ही नहीं हो पाए, होगा भी तो इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होगा कि उस कंडीशन में प्रोटीन का बनना मुश्किल हो जाएगा। अंडरस्टैंड, प्रोटीन का बनना मुश्किल इसलिए हो जाएगा कि इसके सारे प्रोसेस तो जब हम पढ़ाएंगे जीन एक्सप्रेशन, अब जीन एक्सप्रेशन में आपको लैक उपरांत मॉडल जब हम बताएंगे तब ये आपको अच्छा से क्लियर होगा कि वास्तव में ये आपका ट्रांसलेशन में जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है उससे ही प्रोटीन बनती है। अंडरस्टैंड, जब डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा तो प्रोटीन का फॉर्मेशन का बनना, प्रोटीन का बनना निरर्थक हो जाएगा। अंडरस्टैंड, तो दो कंडीशन, दो जो है आपको आंसर मिल गए। अंडरस्टैंड, क्योंकि दोनों स्टैंड जो है क्या कर रही है, यहाँ पर सिंथेसाइज होकर के एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन करेगी, तो दूसरी पहली कंडीशन क्या होगी कि दोनों स्टैंड मतलब दो आपके जो है डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएंगे, और डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगी तो डबल प्रोटीन बनेगी, दो तरह की प्रोटीन बनेगी। अंडरस्टैंड, और दोनों प्रोटीन के सीक्वेंस जो होंगे, न्यूक्लियोटाइड्स के जो सीक्वेंस होंगे वो क्या करेंगे, वैरी करेंगे। वैरी करने के बाद डिफरेंट टाइप्स की अमीनो एसिड भी बनेगी। अंडरस्टैंड, और जब डिफरेंट टाइप्स की अमीनो एसिड बन करके जब डिफरेंट टाइप्स का प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा तो जो आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन मशीनरी एंजाइम्स है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अंडरस्टैंड, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बताया मैंने, दूसरे पॉइंट में हमने ये बताया कि जब ये दोनों स्टैंड आपस में क्या करेगी, जब ये एक टेम्पलेट दोनों टेम्पलेट ये काम करेंगे तो वहां पर जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन रहा है तो यहाँ पर जो नाइट्रोजनस बेस है इनके बीच क्या होने लगेगा, अट्रैक्शन होने लगेगा। अंडरस्टैंड, और जब ये अट्रैक्शन होगा तो ये क्या कर जाएंगे, क्वाइल होने आएंगे, डबल स्टैंडर्ड बना लेंगे। और जब डबल स्टैंडर्ड बना लेंगे तो उस कंडीशन में प्रोटीन को जो आरएनए से प्रोटीन का बनना है तो वो प्रोटीन जो है नहीं बन पाएगी, निरर्थक हो जाएगी, प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। यदि होगा भी तो बहुत ही कॉम्प्लेक्साइटी जो है वहां पर कंडीशन होगी। अंडरस्टैंड, तो प्रोटीन क्या हो जाएगी, उसका बनना जो है एक फर्ट क्या बन जाएगा, फ्यूटाइल कंडीशन आ जाएगी। अंडरस्टैंड, फ्यूटाइल का मतलब होता है निरर्थक, कि प्रोटीन नहीं बन पाएगी।
अंडरस्टैंड। तो ये कंडीशन रहा आपके जो है किसका, ट्रांसक्रिप्शन का, अंडरस्टैंड, जिसमें कि सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन, अंडरस्टैंड, कि डीएनए की दोनों स्टैंडर्ड टेम्पलेट का काम करे तो क्या आरएनए का फॉर्मेशन होगा, नहीं होगा, यदि नहीं होगा तो उसके दो रीजन कौन कौन से हैं, क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, आप खुद जानते हैं, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट कंडीशन जो है हमने बताने जा रहा है कि यहां पर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, अंडरस्टैंड, ये आपका जो है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में ये पहला पॉइंट ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है भाई, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है आपका पहला यूनिट क्या है, प्रमोटर, ए प्रमोटर, ए प्रमोटर। सेकंड, सेकंड की जो कंडीशन है वो कैसी है, द स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन। एंड थर्ड, टर्मिनेटर, टर्मिनेटर, अंडरस्टैंड, ये आपके ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है, अंडरस्टैंड। जबकि ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट जो है आपका कौन है, स्ट्रक्चरल जीन है, जो कि न्यूक्लियोटाइड्स को क्या करेगा, पॉलीमराइज करने का काम करेगा, अंडरस्टैंड, इस पर न्यूक्लियोटाइड्स पॉलीमराइज होंगे। तो इस तरह की कंडीशन होती है आपका प्रमोटर, उसके बाद स्ट्रक्चरल जीन, उसके बाद क्या होता है, टर्मिनेटर। अब कंडीशन ये आती है कि जो आपका ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है एंजाइम जो काम करने वाला है, अंडरस्टैंड, वो एंजाइम्स है, सबसे पहले हम एंजाइम का नाम लिखें, एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि यहां पर डीएनए से आरएनए बनाना है, आरएनए जो पॉलीमराइजेशन कर रहा है वो किस पे डिपेंड होगा, डीएनए पे होगा, अंडरस्टैंड। अब जो डीएनए से डीएनए पॉलीमरेज बनना था, तो डीएनए पॉलीमरेज किस पर जो है डिपेंड था, डीएनए पे डिपेंड था, क्योंकि डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहां पर ट्रांसक्रिप्शन में आप क्या कराने जा रहे हैं, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन कराने जा रहे हैं, अंडरस्टैंड। तो जब डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन करेंगे तो इसमें सबसे पहले देखना है कि कोडिंग स्ट्रैंड एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सी होगी, अंडरस्टैंड। तो अब ये कोडिंग स्ट्रैंड, यहां याद रखिए कि ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में आपके थ्री जो है पॉइंट होंगे, एक प्रमोटर का काम करेगा, और एक स्ट्रक्चरल जीन, और एक टर्मिनेटर। प्रमोटर का मतलब ये हुआ कि जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो रहा, ओरी, ओरिजिन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, तो ट्रांसक्रिप्शन जहां से स्टार्ट होगा तो उस कंडीशन को हम कहेंगे प्रमोटर, अंडरस्टैंड। और तब जो है आपका स्ट्रक्चरल जीन, क्योंकि इसमें उस तरह के जो है नाइट्रोजनस बेस है जो अमीनो एसिड को कोडेड करने वाले, अंडरस्टैंड, तो यहां पर पॉलीमराइजेशन हो सकता है न्यू स्ट्रैंड की। दूसरी कंडीशन है टर्मिनेटर, तो अब ये पॉलीमराइज करते हुए जाएगा तो टर्मिनेटर तक जहां पहुंचेगा टर्मिनेटर से, तो वहीं से टर्मिनेट कर जाएगा, अंडरस्टैंड, मतलब वहीं से स्टॉप हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेशन होगी आपका प्रमोटर की, फिर स्ट्रक्चरल जीन, फिर टर्मिनेटर। ये कंडीशन होती है आपके जो है किसके, ट्रांसक्रिप्शन की, जिसमें कि डीएनए चेंज होता है आरएनए में, ठीक है। और डीएनए चेंज आरएनए में क्यों हो रहा है, बस एक ही पॉइंट हो रहा है कोडिंग स्ट्रैंड पर, थायमिन की जगह पर यूरेसिल आ रहा है बस, अंडरस्टैंड, तभी जो है डीएनए आरएनए में चेंज हो जाएगा, अंडरस्टैंड। तो ये कंडीशन होती है। सबसे पहले देखें तो सबसे पहले आप जो है एंजाइम्स को लर्न रखेंगे यहाँ पर, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि हम डीएनए से आरएनए बनाने जा रहे हैं, अंडरस्टैंड। अब कंडीशन ये आती है, देखिए थोड़ा सा, कि अब यहाँ पे जो नेक्स्ट कंडीशन आ रही है, अंडरस्टैंड, तो ये आपका जो है
ये आपके दो स्ट्रैंड हैं डीएनए से, और डीएनए से ही आपको क्या बनाना है, आरएनए बनाना है, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे ये आपकी पोलरिटी क्या होगी, 3' to 5', तो यहाँ पर पोलरिटी क्या होगी, 5' to 3', अंडरस्टैंड। तो जहां पर हमें पोलरिटी मालूम हो जाए कि भाई 3' to 5' है, तो ये आपका क्या काम करेगा, ये टेम्पलेट का काम करेगा, टेम्पलेट का काम करेगा। तो जब ये टेम्पलेट का काम करेगा तो ये किसका काम करेगा, कोडिंग का काम करेगा, ठीक है। टेम्पलेट की पोलरिटी क्या होनी चाहिए, 3' to 5' होनी चाहिए, तो कोडिंग की पोलरिटी क्या होनी चाहिए, 5' to 3' होनी चाहिए, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन जो होती है 3' to 5'। अब यहां पे आपका जो है आकर के जुड़ेगा कौन भाई, ये आपका जुड़ेगा आकर के जिसका नाम है प्रमोटर, अंडरस्टैंड, ये है प्रमोटर, अभी बात सुनिए। और यहां पे प्रेजेंट होगा आपका कौन, ये है आपका टर्मिनेटर, टर्मिनेटर, अंडरस्टैंड, इसका नाम देंगे हम टर्मिनेटर। मतलब यहीं से क्या कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा, कि ये जो है आपका ये कोडिंग करते 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 यहाँ पे आया और यहीं से क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेट कर जाएगा, अंडरस्टैंड। या यहाँ से कोडिंग करते जाते यहाँ क्या जाएगा, अभी टर्मिनेट कर जाएगा, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन होती है कि ये आपका टर्मिनेटर है, अंडरस्टैंड। और इसमें स्ट्रक्चरल जीन की पोजिशन, स्ट्रक्चरल जीन, अंडरस्टैंड, स्ट्रक्चरल जीन इज द ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, अंडरस्टैंड। स्ट्रक्चरल जीन क्या है, एक ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट है, अंडरस्टैंड। इसको क्यों ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट बोला गया, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट बोलने का एक ही रीजन है कि यहाँ पे जितने भी अमीनो एसिड पड़े हुए हैं उनको कोडेड करने के लिए नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है, और जहां पर नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होंगे उस अमीनो एसिड को कोडेड करने के लिए, तभी तो प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, अंडरस्टैंड। क्योंकि प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, अंडरस्टैंड, कि अमीनो एसिड का पॉलीमर कौन है, प्रोटीन है, अंडरस्टैंड। तो अब ये कंडीशन हो गई कि आपकी पोलरिटी जो टेम्पलेट की रही, ये क्या हो गया, ये टेम्पलेट हो गया जिसकी पोलरिटी 3' to 5' है, तो कोडिंग की पोलरिटी क्या हो सकती है, 5' to 3', अंडरस्टैंड। अब इसमें जो आपका प्रमोटर की जो कंडीशन है वो पोलरिटी के 3' पर है, टेम्पलेट के 3' पर है, लेकिन कोडिंग के 5' पे पड़ा हुआ है, अंडरस्टैंड। लेकिन जो टर्मिनेटर की जो कंडीशन है वो टेम्पलेट के 5' पर है और कोडिंग के 3' पर है, अंडरस्टैंड। तो आपका ये प्रमोटर, मतलब ये आपका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होने की साइट है, प्रमोटर इज द साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, अंडरस्टैंड। एंड ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस दैट इज डीएनए चेंज टू आरएनए, अंडरस्टैंड। तो जब ये डीएनए चेंज टू आरएनए, तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है कि टेम्पलेट जब आपको मालूम हो गया तो उस कंडीशन में कोडिंग स्ट्रैंड तो मालूम हो जाएगा, अंडरस्टैंड, क्योंकि टेम्पलेट यदि 3' to 5' है तो कोडिंग स्ट्रैंड क्या होगी, 5' to 3' होगी, क्योंकि हमारा जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होगी वो 5' to 3' होगी, चाहे वो कोडिंग स्ट्रैंड पर हो चाहे वो आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड पर हो, इसमें कोई एक ही स्ट्रैंड जो होगा टेम्पलेट का काम करेगा, अंडरस्टैंड। दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम नहीं करेंगे, यदि दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करेंगे तो जो इवेंट हो रही है वो आपको पहले हम बता चुके हैं, अंडरस्टैंड, इतना याद रखना है आपको। तो अब ये कंडीशन हो गई कि यहां पर आपका इसे मान लीजिए कि सपोज करिए कि यहां पर जो कोडिंग स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड की जो कंडीशन आ गई, जिसकी पोलरिटी भी मालूम हो गई, प्राइमर की भी कंडीशन मालूम हो गई, उसके बाद जो है प्रमोटर कहां प्रेजेंट है, टर्मिनेटर कहां प्रेजेंट है, ये भी हमें मालूम हो गया, अंडरस्टैंड। अब कंडीशन है कि एक एग्जांपल लेते हैं कि ये आपका ATGC, अंडरस्टैंड, और ये कंडीशन हो गई हमारा क्या, 3' to 5', अंडरस्टैंड, 3' to 5'। तो यार रेडी क्या करेगा, ये टेम्पलेट का काम करेगा, टेम्पलेट का काम करेगा, अंडरस्टैंड। अब ये कोडिंग स्ट्रैंड जो कंडीशन आ रही है, तो यहां पर एक जगह क्या होना चाहिए, टी होना चाहिए,
ये होना चाहिए सी जी, उसके बाद टी ए सी जी, उसके बाद टी ए सी जी, उसके बाद टी ए सी जी। अंडरस्टैंड, ये तो कंडीशन आपकी हो गई कोटिंग की, जहां पर कि डबल स्टैंडर्ड होगा तो इसकी पोलैरिटी क्या होनी चाहिए, फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम होनी चाहिए। तो एग्जांपल दिया है, अंडरस्टैंड। लेकिन इस टेम्पलेट पे यदि हम आरएनए का फॉर्मेशन करें तो यहां पर टी की जगह क्या होगा भाई, ये आपका टी है, अंडरस्टैंड। और जब आपका आरएनए बनने जाएगा तो टी की जगह क्या होगा, यूरेसिल हो जाएगा, उसके बाद यहाँ टी हो जाएगा, यहाँ जी होगा और यहाँ सी होगा, यहाँ पे क्या होगा यू होगा, उसके बाद टी होगा, जी सी, उसके बाद यू, उसके बाद क्या होगा टी जी सी यू टी यू ए टी, हाँ ए की जगह क्या हो जाएगा टी। तो अब ये कंडीशन जो है इसको ले लेते हैं हम, तो यहाँ पर आपके थायमिन की जगह पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर ही होना चाहिए, थायमिन की जगह पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर ही होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या रख दें, यहाँ पर ए रख दें, अंदर से थायमिन की जगह पर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ए की जगह है तो यहाँ पर टी होना चाहिए, तो होना क्या चाहिए यहाँ पर, जब मैसेंजर आरएनए बनाने जा रहे हैं तो यहाँ पर यू होना चाहिए, ए की जगह क्या होना चाहिए टी है डीएनए में, तो आरएनए जब बनेगा तो क्या कंडीशन होगी, ए के प्लेस में जो टी यहाँ पे आ रहा है, ये आपका जो टी यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, इसकी जगह जो है ले लिया किसने, ये ले लिया यूरेसिल ले लिया। और जब यूरेसिल ले लिया तो जहां जहां ये आपका ये टी आएगा तो क्या कंडीशन आ जाएगी, ये आपका जो है यूरेसिल ही लेगा, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन क्या हो जाएगी, ये आपका बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा आपका आरएनए स्टैंड, अंडरस्टैंड। और जब ये आरएनए स्टैंड बनेगा तो उस कंडीशन में अब इसी तरह से जो कोडिंग स्टैंड पे है केवल टी की जगह जो है यू होना चाहिए, अंडरस्टैंड। जहां पर टी है वहां पर क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, ये आपका डीएनए स्टैंड जो है आरएनए में चेंज हो जाएगा, अंडरस्टैंड। इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, अंडरस्टैंड। लेकिन अब यहां जो है इसकी पोलैरिटी, तो यहां पर इसको हम टेम्पलेट मानते हैं, अंडरस्टैंड, टेम्पलेट मारते हैं। तो यहाँ पर ए की जगह क्या होना चाहिए, यहाँ पर टी होना चाहिए, ये टी हो गया, तो टी की जगह क्या होना चाहिए, यहाँ पे यू होना चाहिए, टी की जगह ए, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन जो होती है आपका क्या होगा, मतलब ए टी जी सी ये आपका डीएनए की स्टैंड है, तो यहाँ पर आपका जो है ए टी जी सी है, तो जब डीएनए बनेगा तो टी की जगह क्या हो जाएगा, यूरेसिल हो जाएगा। आर्य वसन में ये क्या कंडीशन हो जाएगी, यूरेसिल की हो जाएगी। तो यहां से केवल एक ही स्ट्रैंड बनेगा, अंडरस्टैंड, सिंगल स्ट्रैंडेड, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन होती है आपका क्या, डीएनए चेंज टू आरएनए, अंडरस्टैंड। तो ये कंडीशन होती है आपके जो है स्ट्रक्चरल जीन की, अंडरस्टैंड। तो दूसरी कंडीशन क्या होती है कि अब आपका प्रमोटर से क्या होगा, ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, तो स्ट्रक्चरल जीन को कोडेड करते हुए कहां तक पहुंचेगा, टर्मिनेटर तक पहुंचेगा। तो एक चीज बता दें कि आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर ये टर्मिनेटर से जो है जो स्टैंड बनती चली जा रही है, तो यहीं से टर्मिनेट हो जा रही है, यहां से समाप्त हो जा रही है, अंडरस्टैंड। तो टर्मिनेटर पर प्रेजेंट है आपका स्टॉप कोडान, ठीक है, स्टॉप कोडान, उस तरह का कोडान जो किसी भी अमीनो एसिड को कोडेड नहीं करेगा, अंडरस्टैंड। जब अमीनो एसिड को कोडेड ही नहीं करेगा तो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। तो यहां पर क्या बोलते हैं, यहां पे प्रेजेंट होता है स्टॉप कोडान, अंडरस्टैंड। और जब स्टॉप कोडान तक जहां ये पहुंचता है, इसको पॉलीमराइज करते 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 स्टॉप कोडान के पास जब पहुंचेगा तो वहीं से टर्मिनेट कर जाएगा, इसीलिए इसका नाम रखा गया टर्मिनेटर। और टर्मिनेटर की पोजीशन क्या होगी, टेम्पलेट पर फाइव इंड पे होगी और कोडिंग कोडान पर थ्री इंड पे होगी, ये याद रखिएगा। तो प्रमोटर आपका जो है टेम्पलेट पर किस इंड पर होगा, थ्री इंड पर होगा। तो ये आपका कोडान पर कोडिंग पर क्या होगा, फाइव इंड का होगा, इंड पे होगा, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन होती है आपका प्रमोटर स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर,
अंडरस्टैंड, टेम्पलेट क्या होता है, कोडिंग स्टैंड क्या होती है, अंडरस्टैंड। ये बराबर आप याद रखेंगे कि टेम्पलेट जब भी वर्क करेगा तो 3' to 5' डायरेक्शन होगी इसकी, तो वहां पर जो न्यूली स्टैंड बनेगी वो 5' to 3' बनेगी, अंडरस्टैंड, चाहे वो कोडिंग का हो चाहे आपका हो टेम्पलेट का हो, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन होती है इसमें। अब कंडीशन जो है नेक्स्ट जो आती है, नेक्स्ट की कंडीशन जो आती है, अब यहां पे जाता है ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट इन द जीन, अंडरस्टैंड, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट एंड द जीन, एंड द जीन, ये आपका जो है मेन पॉइंट है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू जो है जीन जो होता है कहाँ प्रेजेंट होता है, डीएनए पे प्रेजेंट होता है, और डीएनए पे जीन को आइडेंटिफाई करना इतना आसान नहीं है, अंडरस्टैंड। लेकिन हमें पता चल गया है कि जब हमने डीएनए को खोज कर लिया, डीएनए को सर्च कर लिया, तो जॉनसन ने ये भी बताया कि जो फैक्टर था जिसको मेंडल ने बोला कि ये फैक्टर है, तो उसको क्या किया गया, कहा गया, जॉनसन ने क्या नाम दिया, जीन्स का नाम दिया, जीन है, अंडरस्टैंड। तो हमें यह भी पता चल गया कि डीएनए का वह सेगमेंट जो पेरेंट के करेक्टर को जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर करने की कैपेसिटी रखता है, कैपेबल होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जीन कहते हैं, अंडरस्टैंड। तो जीन की कंडीशन जो होती है, ये आपका जीन जो होता है, ये आपका जो है टर्म होता है डीएनए का सिक्वेंस, और इस डीएनए सिक्वेंस में कोडिंग ये करता है आपका, जिसमें कि ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, अंडरस्टैंड, और मैसेंजर आरएनए तो आप बना ही रहे हैं, अंडरस्टैंड। मैसेंजर आरएनए का मतलब कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करेगा वन प्लेस टू अदर प्लेस, अंडरस्टैंड, जो मैसेज को पहुंचाने का काम करेगा उसको नाम दिया मैसेंजर आरएनए, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन जो होती है जिसमें एक जो है पूरे सिस्टम में क्या होता है कि आपका जो है डिफाइनिंग जो करेक्टर होता है डीएनए सेगमेंट का, जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, अंडरस्टैंड, तो उसको हम कहते हैं सिस्ट्रॉन, क्या नाम देंगे, सिस्ट्रॉन, क्या नाम देंगे उसका, सिस्ट्रॉन। और सिस्ट्रॉन की कंडीशन जो होती है, ठीक है, क्या होती है कि किसी भी डीएनए सेगमेंट पे ये जो है कोडिंग करने का काम करेगा, अंडरस्टैंड, सिंप्लीफाइड जो कोडिंग करने का काम करेगा किसी भी डीएनए के सेगमेंट पे, तो उस सिस्टम का नाम दिया जाता है सिस्ट्रॉन, अंडरस्टैंड। और सिस्ट्रॉन की कैटेगरी जो होती है, अंडरस्टैंड, ये आपका ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट जो स्ट्रक्चरल जीन है उसके अंदर जो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है, उस ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में दो तरह की कंडीशन पाई जा रही है, एक आपका कंडीशन सिस्ट्रॉन में मोनोसिस्ट्रॉनिक, मोनोसिस्ट्रॉनिक, और दूसरी कंडीशन होती है आपका पॉलीसिस्ट्रॉनिक, अंडरस्टैंड, मोनोसिस्ट्रॉनिक एंड पॉलीसिस्ट्रॉनिक। अब मोनोसिस्ट्रॉनिक एंड पॉलीसिस्ट्रॉनिक, ये मोनोसिस्ट्रॉनिक मोस्टली जो होता है यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में होता है, अंडरस्टैंड, ये कहां प्रेजेंट होता है, मोनोसिस्ट्रॉनिक यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है मोस्टली, अंडरस्टैंड। जबकि पॉलीसिस्ट्रॉनिक जो होता है ये आपका बैक्टीरिया एंड प्रोकैरियोटिक सेल, अंडरस्टैंड, प्रोकैरियोटिक सेल, अंडरस्टैंड, बैक्टीरिया एंड प्रोकैरियोटिक सेल, पॉलीसिस्ट्रॉनिक एंड मोनोसिस्ट्रॉनिक, मतलब केवल एक जो है स्विच जो मोनोसिस्ट्रॉनिक, मतलब पता करें आप जो है एग्जांपल दें हम कि कोई एक बड़ा सा हॉल है और उस हॉल में कम से कम 15 फैन लगे हुए हैं, अंडरस्टैंड, और 15 फैन को ऑन करने के लिए उसके पास 15 जो है बटन है, अंडरस्टैंड, कि 15 फैन को ऑन करने के लिए पर्टिकुलर उसका क्या है 15 जो है बटन है जिसके द्वारा उसको ऑन करेंगे, एक को ऑन करेंगे तो एक फैन केवल स्टार्ट होगा, दूसरे को ऑन करेंगे तो नेक्स्ट फैन स्टार्ट होगा, अंडरस्टैंड। इस तरह से 15 बटन को यदि ऑन करते हैं तो 15 फैन ऑन होते हैं, ये कंडीशन, इस तरह की व्यवस्था जो होती है किसमें होती है, आपका मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन में होती है, अंडरस्टैंड, केवल ओनली वन, मोनो का मतलब क्या होता है वन,
अंडरस्टैंड। और ये जो है मोनोसाइटोनिक कंडीशन जो होती है, जो आपके पॉलीमराइज के मतलब कोडिंग को कोडेड करने का काम करेगा, वो केवल एक ही होगा पर्टिकुलर, अंडरस्टैंड। और वो इस तरह की कंडीशन पाई जाएगी यूकैरियोटिक सेल में, अंडरस्टैंड। जबकि पॉलीसिस्टोनिक की कंडीशन क्या होती है कि 15 फैन लगे हुए हैं तो केवल एक ही स्विच है, और उस स्विच को यदि ऑन करते हैं तो 15 फैन क्या हो जाएंगे, वो मूव करने लगेंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरह की कंडीशन होती है आपका किसमें, बैक्टीरिया और प्रोकैरियोटिक सेल में। जो जीन होता है वो आपका पॉलीसिस्टोनिक जीन होता है, और इसमें क्या होता है, मोनोसिस्टोनिक होता है, अंडरस्टैंड। तो मोनोसिस्टोनिक में कंडीशन क्या होती है कि इसमें आपका जो डीएनए से आरएनए का जो फॉर्मेशन हो रहा है, डीएनए से जो आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, तो आप जिसे मान लीजिए कि ये आपका डीएनए है और ये बन गया आपका आरएनए, अंडरस्टैंड। कि ये आपका जो है डीएनए है और ये टेम्पलेट का काम किया, ये कोडिंग का काम किया, तो इस पर क्या हो गया, एक सिंगल स्ट्रैंड जो है आपका ये मैसेंजर आरएनए बन गया, अंडरस्टैंड। तो जब ये मैसेंजर आरएनए बन गया तो उसमें जो मोनोसिस्टोनिक जीन होगा, अंडरस्टैंड, तो वहां पर मोनोसिस्टोनिक जीन में एक कंडीशन आती है जो एग्जॉन और इंट्रॉन, एग्जॉन और इंट्रॉन दो तरह की कंडीशन। तो एग्जॉन जो होता है आपका फंक्शनल होता है, जबकि इंट्रॉन जो होता है नॉन फंक्शनल होता है, अंडरस्टैंड। जब भी डीएनए से मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होगा तो वो आपका क्या होगा, प्रिमिटिव मैसेंजर आरएनए होगा, इमैच्योर मैसेंजर आरएनए होगा। मैच्योर कब होगा, जब उसकी प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग का मतलब क्या हो गया कि अब यहां से इंट्रॉन को क्या किया जाएगा, रिप्लेस किया जाएगा। इसे मान लीजिए कि ये आपकी स्ट्रैंड एक बन गई जो है ये मैसेंजर आरएनए की, अंडरस्टैंड। और ये मैसेंजर आरएनए पर क्या कंडीशन है कि ये आपका जो है इस तरह की कंडीशन क्या है, ये अंडरस्टैंड, इस तरह की पोजीशन। तो ये आपका जो है क्या है, ये एग्जॉन है, अंडरस्टैंड, ये एग्जॉन है और बीच में क्या है, इंट्रॉन है, अंडरस्टैंड। और ये क्या है, एग्जॉन है, तो ये क्या हो गया, इंट्रॉन हो गया, तो ये क्या हो गया, एग्जॉन हो गया, तो ये क्या कंडीशन हो गई, इंट्रॉन। ये क्या हो गया, इंट्रॉन, और ये क्या हो गया, एग्जॉन, अंडरस्टैंड। एग्जॉन इंट्रॉन, एग्जॉन इंट्रॉन, अंडरस्टैंड। तो इसी को आप कहेंगे प्रिमिटिव मैसेंजर आरएनए या इमैच्योर मैसेंजर आरएनए, अंडरस्टैंड। अब कंडीशन होती है कि अब इस इमैच्योर मैसेंजर आरएनए को जब प्रोसेसिंग होगी, अंडरस्टैंड, इसका मतलब कि प्रोसेसिंग का मतलब कि आपका इमैच्योर मैसेंजर आरएनए से इंट्रॉन को रिप्लेस किया जाएगा, अंडरस्टैंड। तो जब इंट्रॉन को आप रिप्लेस कर देंगे, इसको आप रिप्लेस कर देंगे, तो ये आपका सेगमेंट क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा, अंडरस्टैंड। क्योंकि इंट्रॉन तो क्या कर गया, रिप्लेस हो गया। अब के दिमाग में बात आपकी ये आ रही होगी, सर इंट्रॉन को तो रिप्लेस कर देंगे इसके बीच में, तो अब ये कंडीशन, तो ये तो प्लेस पूरा क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, ये भी प्लेस क्या हो जाएगा, ये पूरा खाली हो जाएगा, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, पूरी खाली हो जाएगी, अंडरस्टैंड। तो अब इनको जो इंट्रॉन का जो सेगमेंट है, इनको कैसे जोड़ा जाएगा, तो इसको जुड़ने का काम वही करेगा जो आपको रिप्लिकेशन डुप्लीकेशन में बताया था, डीएनए लाइगेज, अंडरस्टैंड। अब ये डीएनए लाइगेज जो होगा क्या करेगा, अब इस इंट्रॉन को इस इंट्रॉन से जोड़ देगा, इसको इससे जोड़ देगा, इसको इससे जोड़ देगा, इसको इससे जोड़ देगा, अंडरस्टैंड। और जैसे ही जोड़ने के बाद जो एक न्यू स्ट्रैंड जो बनेगी मैसेंजर आरएनए की, वो कैसी स्ट्रैंड बनेगी, वो आपका मैच्योर जो है मैसेंजर आरएनए बनेगा, और उसी को हम बोलेंगे प्रोसेसिंग। और प्रोसेसिंग के थ्रू जो है, इसी का नाम जो है एक और हमने दिया इसके प्रीवियस वीडियो में, स्प्लाइसिंग, आरएनए वर्ड में नाम बताया था, अंडरस्टैंड। स्प्लाइसिंग का मतलब क्या हो गया, वहां पर हमने बताया प्रीमैच्योर मैसेंजर आरएनए, प्रीमैच्योर मैसेंजर आरएनए। अब ये प्रीमैच्योर मैसेंजर आरएनए जो है क्या हो गया, ये आपका मैच्योर मैसेंजर आरएनए में चेंज हो गया। तो प्रीमैच्योर मैसेंजर आरएनए चेंज हुआ मैच्योर मैसेंजर आरएनए में, तो इसी प्रोसेस को तो नाम क्या दिया गया, स्प्लाइसिंग। क्या नाम दिया गया, स्प्लाइसिंग,
अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन होती है आपके जो है स्प्लाइसिंग की, जो प्रोसेसिंग वो करके एक नया जो है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का, किस तरह के आरएनए का, मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन हो गया, जिस पर स्ट्रक्चरल जीन या उस तरह के जो है अमीनो एसिड पड़े हुए हैं, अंडरस्टैंड, जिनके द्वारा ट्रांसलेशन यदि होता है तो इसे प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन रही आपका, कौन कौन सा ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट क्या होती है, उसके बाद जो है ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट एंड जीन क्या होता है, अंडरस्टैंड। जिसमें आपने देखा सिस्ट्रॉन, उसके बाद मोनोसिस्ट्रॉनिक, पॉलीसिस्ट्रॉनिक, मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन आल्सो प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल, बट पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक और बैक्टीरियल सेल, अंडरस्टैंड। तो जो भी आपका प्रोसेसिंग होगा वो किस में होगा, मोनोसिस्ट्रॉनिक में होगा, अंडरस्टैंड, मोनोसिस्ट्रॉनिक में होगा, पॉलीसिस्ट्रॉनिक में नहीं होगा, अंडरस्टैंड। तो वहां, क्योंकि वहां पर एक ही स्विच काम कर रहा है, जैसे हमने देखा कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस में, याद रखिए रिप्लिकेशन डुप्लीकेशन में, कि जहां पर एक ही प्राइमर काम किया तो वहां पर कॉन्टिन्यूअस जो है स्टैंड बनी, और जहां पर मोर देन वन जो है प्राइमर काम किए तो छोटे छोटे पार्टों में स्टैंड बन गई, जिसको हम लॉजिंग स्टैंड या डिसकॉन्टिन्यूअस स्टैंड कहते हैं, ठीक वही कंडीशन यहां पर है, अंडरस्टैंड। तो इसको हम क्या नाम दिया, स्प्लाइसिंग नाम दिया, कि मैसेंजर आरएनए जो प्री मैस्योर मैसेंजर आरएनए है, जब उसकी क्या होगी, जब मैसेंजर मैस्योर मैसेंजर आरएनए बनेगा तो उस तरह की कंडीशन या उस तरह का प्रोसेस स्प्लाइसिंग की होगी। अभी हम लोग पढ़ेंगे किसमें, जब हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर ट्रांसक्रिप्शन को पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, अंडरस्टैंड। हेलो, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।